Hello students, I am Shraddha Patil, your dance teacher. So, first और second episode में हमने नमस्कार, exercise और भरतनाट्यम का एक अड़ू सीखा था. कौन सा अड़ू सीखा था? पता है आपको? याद करने की कोशिश करो, की होगी ना प्रैक्टिस. So, नट अड़ू सीखा था, right? So, नट अड़ू का पूरा प्रैक्टिस हुआ है सबका, one और two step. दो स्टेप मैंने नट अड़ू के आपको सिखाए थे. तो पूरा दोनों स्टेप का आपने एक्सरसाइज किया है. ओके, तो किया होगा राइट. हाँ, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्यान श्लोका से आज. ठीक है, आपका ध्यान श्लोका भी आपको सीखा है तो आपको आता है. तो मेरे साथ आपको ध्यान श्लोका बोलना है. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, लेट स्टार्ट. आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादि तं वंदे सात्विकम शिवम तं वंदे सात्विकम शिवम. ओके, अभी हम लोग नमस्कार करते हैं. ओके, दोनों हाथ कटका मुख मुद्रा में स्ट्रेट खड़े रहना है. जब आप नमस्कार करते हो ना तो बेंडिंग पोजीशन बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेट खड़े रहना है बिल्कुल. सो कटका मुख मुद्रा में आपके दोनों हाथ रहेंगे. टैप योर राइट लेग वन, टैप योर लेफ्ट लेग टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है नमस्कार, ध्यान श्लोका, नटाडू, क्लियर है राइट? हाँ, तो हम लोग अभी क्या करना है? मैंने लास्ट एपिसोड में क्या बताया था कि डांस करने से पहले क्या करना है बॉडी फ्लेक्सिबल होने के लिए? एक्सरसाइज. सो वील स्टार्ट नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज. ओके, सो ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेना है. देन लॉक योर हैंड्स, राइज योर हील्स, Rise your heels properly and concentrate करो. Balance yourself properly. Rise your heels, relax your heels, unlock your hands. Slowly, slowly नीचे लेना है हाथों को. Okay? One more time we'll do Tadasan. Okay? Rise your hands. Lock your hands, rise your heels and balance yourself, relax your heels, unlock your hands. धीरे धीरे हाथों को नीचे लोगे. Okay, now we'll do Virabhadrasan. Okay, take a little bit distance in your legs. Spread your hands and push the wall right side like this. Push it, push it, push it. जितना भी जोर है आप में push करो wall. Relax. Then same as it is left side also. Push the wall. Push it, push it, push it. And relax. One more time we'll do right side. Push it, relax, and left side. Relax. धीरे धीरे हाथों को नीचे लो. Relax yourself. हाँ, after this अभी फोर टाइम्स
नीचे बैठना है अरमंडी में और फोर टाइम्स ऊपर उठना है। अभी मैंने आपको कहा था लास्ट एपिसोड में कि कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना है, फोर टाइम्स नीचे बैठोगे, फोर टाइम्स ऊपर उठोगे, फिर टू टाइम्स नीचे बैठना है, टू टाइम्स में ऊपर उठना है, आफ्टर दैट वन टाइम नीचे बैठोगे, वन टाइम में ऊपर उठना है। ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन मैंने सेकेंड एपिसोड में दिया था, राइट? तो आपने एक्सरसाइज किया होगा। फिर हम लोग अभी ब्रेक नहीं लेंगे, नाउ विल डू कंटिन्यूअसली फोर स्टेप, टू स्टेप एंड वन स्टेप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, विल स्टार्ट। हाउ यू आर कंफर्टेबल, हाथ कमर पे रखो या ऐसे पकड़ो, डजेंट मैटर। ओके, हाउ यू आर कंफर्टेबल वैसे आपके हाथों को रखना है। देन वी शेप में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके वी शेप में दोनों पैर रहेंगे, फिर धीरे धीरे अभी स्टेप बाय स्टेप नीचे बैठोगे, ठीक है? वन टू थ्री एंड फोर, देन बैलेंस योरसेल्फ। गिरना नहीं है ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं, बैलेंस योरसेल्फ। अभी फोर स्टेप में ऊपर उठोगे, वन टू थ्री एंड फोर। वन मोर टाइम विल डू, कमर पे हाथ रखो अभी, वन टू थ्री एंड फोर। नाउ अप, वन टू थ्री एंड फोर, टू टाइम्स। नाउ फोर टाइम्स, फोर काउंटिंग में किया, अभी टू काउंटिंग में करते हैं। टू काउंटिंग में नीचे बैठना है आपको, वन एंड टू, बैलेंस योरसेल्फ, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, रिलैक्स योरसेल्फ। देन अभी वन टाइम में नीचे बैठना है और सेकेंड को ऊपर उठना है, ओके? वन एंड टू, वन एंड टू, डन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? दोनों पैरों में अच्छे से डिस्टेंस लेना है, ठीक है? एंड बेंड करो इस ऐसे, ठीक है? और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, देन अप एंड डाउन होगे सिर्फ, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, रिलैक्स। इससे क्या होता है, जब भी हम लोग भरतनाट्यम करते हैं, अवर थाइज विल वी गेट स्ट्रांग, थाइज स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे ये एक्सरसाइज करने से। तो ये एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वन मोर टाइम विल डू, डिस्टेंस लेना है एज इट इज, हाथ कमर पे रखो, फिर बेंड में, बेंडिंग में ऐसे रुको, देन अप साइड एंड डाउन साइड, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, रिलैक्स। हाँ, अभी क्या करना है, अपना पैर है ना ऐसे रखना है, बेंड तो करो, दोनों पैर ऐसे साइड में रहोगे और ऐसे, एंड अप साइड एंड डाउन साइड करना है एज इट इज, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, किया पूरा एक्सरसाइज, सबको समझ में आया कैसे किया? हाँ, अभी फिर से पैरों में डिस्टेंस लेना है, दोनों हाथों को ऐसे होल्ड करोगे, फिर झुकना है राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। ओके, फर्स्ट राइट साइड जितना होता है उतना, देन और लेफ्ट साइड, रिलैक्स, राइट साइड, रिलैक्स, लेफ्ट साइड,
रिलैक्स। सो पूरा एक्सरसाइज आया समझ में? अभी क्या करना है आपको, एक स्कार्फ लेना है घर में, स्टोल या स्कार्फ जो भी रहेगा ले लो जल्दी से। लिया सबने? ऐसे इतना सा लेंथ होगा, अगर लंबा है तो उसको फोल्ड कर दो। स्टोल या स्कार्फ लेना है जल्दी से। यस, 1 2 3 4 5 लिया सबने? तो इससे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे होल्ड करना है। ओके, फ्रंट साइड में होल्ड करोगे एज इट इज, धीरे धीरे अपने बैक साइड में इसको लेके जाना है। ठीक है, हाउ इट वॉज सी फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल डू। ओके, होल्ड इट प्रॉपरली, धीरे 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 बैक साइड लेके जाओगे, पूरा बैक साइड। ओके, धीरे 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 फिर फ्रंट साइड आएगा। हाँ, तो बैक साइड कैसे जाता है, मैं ऐसे हो जाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, होल्ड किया, होल्ड करने के बाद बैक साइड लेना है, स्लोली 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 एज यू आर कंफर्टेबल, एकदम स्लोली करना है। बैक साइड किया, फिर इसके बाद धीरे से आगे करोगे। वन मोर टाइम विल डू, बैक साइड, एंड फ्रंट साइड, एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, स्कार्फ आपके साथ ही रखना है, क्योंकि और एक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग तो स्कार्फ के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, स्कार्फ आपके साथ ही रखना है, लेकिन पोजीशन थोड़ा अलग है। ओके, राइट हैंड अप, हैंड अप करो और लेफ्ट हैंड नीचे डाउन साइड में। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आगे फ्रंट साइड में पकड़ना है अच्छे से। फिर क्या करोगे, अप साइड करना है, अप ऐसे खींचना है जोर से, अप एंड डाउन साइड, डाउन भी खींचोगे पूरा, देन अप, आफ्टर दैट डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। अभी क्या करना है, फ्रंट साइड में जो भी किया एज इट इज बैक साइड में करना है हमें। होल्ड इट बैक साइड प्रॉपरली, बैक साइड प्रॉपरली होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करोगे। ओके, फिर अभी लोगे अप साइड, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। सो पूरा एक्सरसाइज कैसे लगा, स्वेट हुआ ना सबको थोड़ा सा तो? ओके, अभी रिलैक्स रहो, पूरा एक्सरसाइज हो गया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नट्टाडू। ओके, नट्टाडू मैंने आपको रिवीजन करेंगे नट्टाडू का सिर्फ, इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पीरियड में हमने नट्टाडू सीखा था, राइट? तो मैंने कहा था आपको कि पूरा वीक नट्टाडू की आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज नट्टाडू की अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, पूरा रिविजन करेंगे नट्टाडू का। ठीक है, तो नट्टाडू के लिए पोजीशन क्या है, पहले हाथ स्प्रेड करते हैं, दोनों हाथ पताका मुद्रा में रहेंगे। ये कौन सी मुद्रा है कहा था मैंने, पताका मुद्रा, ये पताका मुद्रा में दोनों हाथ आपके रहेंगे। स्प्रेड करोगे दोनों हाथ और फिर बेंड करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके पैरों में बेंड करोगे। ठीक है, बेंड किया, मैंने क्या बोला था, आपका बेंड प्रॉपर है या नहीं ये चेकआउट करने के लिए क्या करना है, दोनों हाथ चेस्ट के सामने लोगे और आपके दोनों एल्बोज एंड दोनों नीज इसका स्क्वायर है क्या नहीं आपको चेक करना है, राइट? मेरा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, चेक योर बेंड। ओके,
नाउ स्प्रेड योर हैंड्स. नट्टाडू फर्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स योर सेल्फ. हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे. नट्टाडू फर्स्ट स्टेप रिवाइज हुआ, कैसे था. अगर आप गलत कर रहे हो तो देखो, देखे और फिर एडजस्ट योर सेल्फ. देन अभी नट्टाडू का सेकेंड स्टेप करना है. ठीक है, नट्टाडू का सेकेंड स्टेप. स्प्रेड योर हैंड्स इन पताका मुद्रा. फिर क्या करोगे, बेंड करोगे टू टाइम्स. वन साइड में टू टाइम्स करोगे. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स योर सेल्फ. हाँ, सो नट्टाडू आया समझ में सबको. हाँ, अभी क्या करना है, नट्टाडू का फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप ये हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे विद बोल. बोल क्या है मैंने बताया था, आपने किया है नोट डाउन, रिमाइंड करो. बोल मैंने बताया था आपको, तई युम त ता तई युम ताम. क्या था, लेट्स मेरे साथ बोलो, तई युम त ता तई युम ताम. आया समझ में. ओके, अभी बोल के साथ नट्टाडू का फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप विल डू कंटिन्यूअसली. ओके, बीच में भी ब्रेक नहीं लेना है. ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, नट्टाडू फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कंटिन्यूअसली करेंगे. ओके, पताका मुद्रा में दोनों हाथ स्प्रेड करोगे, विद बोल के साथ करना है अभी. ओके, बेंड, फिर अभी वन साइड एक ही टाइम करेंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अभी. तई युम त ता तई युम ताम. 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 रिलैक्स योर सेल्फ. अभी सेकेंड स्टेप करना है विद बोल. हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे सब लोग. ठीक है, स्प्रेड योर हैंड्स अगेन इन पताका मुद्रा. बेंड करो, अभी टू टाइम्स करना है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स योर सेल्फ. हाँ, तो नट्टाडू के दोनों स्टेप रिवाइज हुआ आपको करेक्टली. सो नट्टाडू किया हमने. अभी इसके बाद क्या करना है, अभी मुद्राज. मुद्राज मीन्स व्हाट, आपको क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय मुद्रा. अभी हैंड के, अभी हाथ के मैंने आपको बताया था कि नमस्कार मुद्रा हम लोग जब कर रहे थे तब मैंने फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड आंसो थर्ड पीरियड में आपको बताया था कि कटका मुख मुद्रा में करो, पताका मुद्रा में करो. तो अलग अलग मैंने मुद्रा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मुद्रा मीन्स व्हाट. तो मुद्रा मीन्स अपने हाथ के जो भी पोस्चर्स रहते हैं. अभी पताका मुद्रा ऐसे किया हमने, राइट, पताका किया. फिर नमस्कार में कौन सा मुद्रा किया हमने, पताका के बाद कटका मुख मुद्रा किया, राइट. तो यही मुद्रा हम लोग वन बाय वन मुद्राज सीखेंगे. इज दैट क्लियर, कटका मुख मुद्रा किया, पताका मुद्रा किया, ये वन बाय वन हमको सीखना है अभी. इसे क्या कहते हैं, असंयुक्त हस्त मुद्राज.
ओके क्या कहते हैं असंयुक्त हस्तमुद्रा, असंयुक्त इट इज अ संस्कृत वर्ड, असंयुक्त मीन्स एक हाथ से करने वाले जो भी मुद्रा रहते हैं ना उसे असंयुक्त हस्तमुद्रा कहते हैं। तो अभी हम लोग असंयुक्त हस्तमुद्रा सीखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग पूरा मैं जो भी आपको बता रही हूँ तो पहले आप लोग देख लो कि मुद्राज कैसे है। सो वन बाय वन मैं आपको फिर सिखाऊंगी, तो मेरे साथ आपको वैसे मुद्रा करना है। रिलैक्स बैठो अभी आप सब लोग, नीचे नीचे आराम से बैठ के करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ओके। खड़े ही रहना ऐसा कुछ नहीं, अभी अड़ूस तो किया हम लोगों ने, अभी बैठ के सिर्फ हमको मुद्रा लर्न करना है। तो आराम से बैठ के हम लोग अभी मुद्रा सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मुद्रा है असंयुक्त हस्त मुद्रा में पताक मुद्रा। मेरे पीछे बोलना भी है आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ, रिपीट करना है मेरे पीछे, दिस इज अ पताक मुद्रा, पताक। कैसे है पताक मुद्रा? सी ऐसे है, कैसे है आपको बताया था मैंने पताक मुद्रा कैसे है, तो कैसे किया है उसमें पताक मुद्रा, अपनी जो उंगली रहती है ना उसको फोल्ड करना है सिर्फ इस तरफ ऐसे, अपना थम को फोल्ड करोगे, दिस इज अ पताक मुद्रा, ओके। आफ्टर दिस कौन सी मुद्रा है, लेट्स सी, इसके बाद कौन सी मुद्रा है, त्रिपताक मुद्रा। कौन सा है? त्रिपताक। कैसे किया है त्रिपताक मुद्रा? देखो पहले जो भी मैं दिखा रही हूँ देखना है आपको, उसके बाद जब मैं कर रही हूँ तब मेरे साथ आपको वो मुद्रा ट्राई करना है, करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये है त्रिपताक मुद्रा, थ्री पार्ट्स ऑफ फ्लैग, ओके। त्रिपताक कैसे करोगे? त्रिपताक मुद्रा ऐसे करना है, ये जो उंगली है अपनी वो फोल्ड करोगे, बाकी के सब हैंड स्ट्रेट, सब पूरा उंगलियां स्ट्रेट रहेंगे, त्रिपताक, ओके। तो पताक हुआ, त्रिपताक हुआ, अभी क्या है अर्धपताक। कैसे करना है अर्धपताक? लेट्स सी, अर्धपताक मुद्रा कैसे किया है? देखो कैसे किया है अर्धपताक, हाँ। तो अभी करते हैं, करोगे मेरे साथ अर्धपताक? कैसे करना है अर्धपताक? देखो दोनों अपनी, ये दोनों जो लास्ट वाले उंगलियां है ना, तो वो दोनों फोल्ड करोगे ऐसे, अर्धपताक, पताक, त्रिपताक, अर्धपताक। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? अर्धपताक। अभी नेक्स्ट क्या है? कर्तरी मुख। नेक्स्ट क्या है? कर्तरी मुख। देखो कर्तरी मुख कैसे किया है, ऑब्जर्व कर्तरी मुख। हाँ तो कर्तरी मुख कैसे करना है? ये त्रिपताक में ही रहेंगे हाथ, सिर्फ ये उंगलियां आगे और पीछे करना है ऐसे, ओके। सी हाउ इट वॉज, ये दोनों उंगलियां ऐसे, कटर कैसे रहता है राइट? तो कर्तरी मुख तो वैसे दिखाना है, कटर कैसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं ना, तो वैसे एक हैंड, एक अपना उंगली आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, कर्तरी मुख, ठीक है। आया समझ में कर्तरी मुख कैसे है पूरा? सी दोनों उंगलियां ऐसे है, कर्तरी मुख ऐसे आना चाहिए। अभी आगे नेक्स्ट क्या है? मयूर। क्या है नेक्स्ट? सी मयूर। हम लोग मोर पिकॉक का सॉन्ग बोलते हैं तो उसमें मयूर ऐसे सिखा बोलते हैं ना हम लोग सॉन्ग में डांस करते करते समय, तो मयूर ऐसे करना है, तो मेरे साथ करेंगे मयूर पिकॉक, ऐसे दिखाते ना हम लोग, सो दिस वन इज मयूर। अपना थम और ये उंगली दोनों ज्वाइन करोगे, फिर ऐसे करना है,
कौन सा पोस्चर है ये? मयूर, राइट। मयूर तक पूरा करेंगे अभी। पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, मयूर। यहाँ तक आया समझ में? अभी नेक्स्ट क्या है? क्या है नेक्स्ट? अर्धचंद्र। नेक्स्ट क्या है? अर्धचंद्र मीन्स हाफ मून। अर्धचंद्र, आप मून देखते हो ना, कैसे रहता है मून? देखा है, कभी पूरा रहता है, कभी आधा रहता है। तो अर्धचंद्र मून हमको ऐसे दिखाना है। तो करोगे कैसे? सी हियर, कैसे करोगे? अर्धचंद्र, राइट। अर्धचंद्र सिर्फ ऐसे हाथ है हमारा, तो ये हाथ ऐसे साइड में लेके जाओगे, सिर्फ क्रॉस करना है। अर्धचंद्र आया समझ में? अर्धचंद्र तक। देन आफ्टर दैट अराल, कैसे है अराल? सी अराल कैसे किया है? इंडेक्स फिंगर जो है हमारा, वो फोल्ड करना है। हाउ इट वॉज सी अराल, कैसे करना है देखते। अराल, अराल ऐसे करना है, ओके। इसके बाद है शुकतुंड। व्हाट? इसके बाद क्या है? शुकतुंड। सी हाउ इट इज शुकतुंड। कौन सा फिंगर? डोंट गेट कंफ्यूज, सी प्रॉपरली फर्स्ट देन डू विथ मी एवरीवन। शुकतुंड कहा। सो देखो कैसे करना है शुकतुंड। पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इंडेक्स फिंगर फोल्ड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिंगर फोल्ड करेंगे। ये है शुकतुंड, ओके। इसके बाद है मुष्टि। इसके बाद है मुष्टि। तो मुष्टि कैसे करोगे? सी किसी को मारना हो तो कैसे दिखाते हम लोग? हाँ, कैसे दिखाते? ऐसे मारूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो मुष्टि का यूज वहां पे भी होता है। इट डजंट मीन दैट कि ये सब मुद्राज आप डांस में ही यूज करते हो। मुष्टि अभी मैं मारूंगा ऐसे दिखाते हो ना, तो वहां पे मुष्टि यूज होता है। सो डेली यूज में भी हम लोग बहुत मुद्राएं हम लोग यूज करते हैं, बट अननोन है उससे हम लोग की कितने मुद्राज हम लोग यूज ऐसे करते हो। ये भी एक मुद्रा है, पता है क्या? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग व्हाट पूछने के लिए, तो ये भी एक मुद्रा है। आप डेली रूटीन में आप मुद्राज यूज करते हो, बट एग्जैक्टली कौन से मुद्रा है तो वो आपको पता नहीं है। लेट सी देन नेक्स्ट मुद्रा। मुष्टि ऐसे किया, थंब बाहर रहेगा, मुष्टि, ओके। इसके बाद है कौन सा है? लेट सी। मुष्टि के बाद है शिखर। मुष्टि के बाद है शिखर मुद्रा। शिखर मुद्रा मुष्टि जैसा ही हाथ रखो, मुष्टि जैसा ही हाथ रखना है। सिर्फ क्या करना है? अपने थंब ऐसे करोगे, थंब को अप करना है। हम लोग अभी बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोलते हैं एग्जाम के टाइम पे अपने अपने फ्रेंड्स को, तो कैसे कहते हैं? बेस्ट ऑफ लक, यू विल डू इट, ऐसे करते हैं ना इनकरेज करने के लिए। तो वहाँ पे देखो शिखर मुद्रा आपको यूज होता है। अभी आपको रिमाइंड होता होगा कि हाँ हम लोग डेली रूटीन में कहाँ कहाँ पे करते हैं मुद्राज यूज। सी हाउ इट वॉज, दिस इज अ मुष्टि, ओके। नेक्स्ट वन आफ्टर मुष्टि कौन सा है? कपित्य। क्या करोगे? अपने तीनों ये उंगलियां है ऐसे रखोगे और थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे जॉइन करोगे। ये है कपित्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? कपित्य, ओके। नेक्स्ट वन विल सी कटकामुख। हाँ, तो फर्स्ट पीरियड से आप लोग सीख रहे हो, सीरियली अभी आया है। नमस्कार में करते ना हम लोग कटकामुख मुद्रा, कैसे है ये?
तीनों उंगलियां ज्वाइन करना है, दो उंगलियां आगे रखना है सिर्फ। कटका मुख, मेरे साथ बोलना है, वन बाय वन मैं आपको सिखा रही हूँ। जो भी मेरे साथ भी मुद्रा को रिवाइज करोगे आप लोग, ये है कटका मुख मुद्रा। ओके, कटका मुख। नेक्स्ट वन क्या है? सूची। इंडेक्स फिंगर ऊपर करना है, सिर्फ दिखाना है ऐसे। हम लोग अभी दिखाते ये वो ऐसे दिखाते ना, यहाँ से वहाँ से ऐसे दिखाते, राइट? तो सूची वहाँ पे यूज होता है, सूची मुद्रा। सो नेक्स्ट वन, सूची के बाद क्या है? चंद्रकला। क्या है? चंद्रकला। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे रखोगे, राइट? कैसे रखना है? सी, अपना हाथ ऐसे रखोगे, चंद्रकला मुद्रा। चंद्रकला के बाद क्या है? आफ्टर चंद्रकला क्या है? चंद्रकला के बाद है पद्मकोश। क्या है? कौन सा है? पद्मकोश। पद्मकोश, ये जो अपना हाथ है सिर्फ ऐसे रखना है, पद्मकोश, राइट? आफ्टर पद्मकोश क्या है? कौन सी मुद्रा है पद्मकोश के बाद? पद्मकोश के बाद है सर्पशिष्य। सर्पशिष्य कैसे सिखा देखते हैं हम लोग, सर्पशिष्य। ओके, स्नेक हम लोग कैसे दिखाते हैं? स्नेक, अगर स्नेक हमको दिखाना है तो स्नेक कैसे दिखते दिखाते हैं हम लोग, ऐसे करते कि नहीं? तो दिस वन इज सर्पशिष्य मुद्रा। ओके, सर्पशिष्य के बाद है मृगशीर्ष। कौन सा है? मृगशीर्ष। क्या करना है? अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना है, अपनी उंगली लास्ट वाली उंगली स्ट्रेट रखोगे और थंब भी स्ट्रेट रखना है। कौन सा है ये मुद्रा? मृगशीर्ष। कौन सा है? मृगशीर्ष, राइट? इसके बाद विच वन? सिंह मुख। सिंह मुख कैसे किया है हम लोग? सिंह मुख हम लोगों ने ऐसे तीनों उंगलियां को ऐसे ज्वाइन करोगे, राइट? सिंह मुख। हाँ, सिंह मुख के बाद कौन सा है? सी, कांगुल। कांगुल ऐसे करना है। क्या करोगे? कांगुल। कौन सा है? सी, कांगुल कैसे करोगे? हाँ, कांगुल के बाद अलपद्म। अलपद्म व्हाट? मैंने जस्ट बोला था आपको कि व्हाट बोलने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं मुद्रा, राइट? तो अलपद्म, अपने जो भी हाथ है इसको ऐसे स्प्रेड करना है, अलपद्म। आया समझ में? अलपद्म मुद्रा। तो इसके बाद कौन सा है? अलपद्म के बाद सी, चतुर। चतुर अलपद्म के बाद है चतुर। ओके, इसके बाद कौन सा है? चतुर के बाद भ्रमर। सी, अपना जो थंब है वो स्ट्रेट रखना है, उसके बाद अपना इंडेक्स फिंगर को ऐसे रोल करोगे, रोल करके इसके साइड में रखोगे, फिर वो जो रोल किया है ना उसके ऊपर से ये उंगली लेके ऐसे ज्वाइन करोगे, राइट? ये है भ्रमर मुद्रा। कौन सा है? भ्रमर। हाथों अपना थंब स्ट्रेट रखोगे, इंडेक्स फिंगर रोल करके उसके, इंडेक्स फिंगर रोल करके ऐसे सेंटर में रखोगे, फिर उसके बाद इंडेक्स फिंगर के ऊपर ये उंगली लेके जाओगे और स्ट्रेट रखना है। ये कौन सा है? भ्रमर। विच मुद्रा इट इज? भ्रमर। ओके, नेक्स्ट वन, भ्रमर के बाद कौन सा आता है?
कौन सा है भ्रमर के बाद? हंसास्य, हंसास्य। अभी वेरी गुड, नाइस बोलने के लिए हम लोग ऐसे करते कि नहीं, नाइस, वेरी गुड। सो दिस वन हंसास्य, ओके। नेक्स्ट वन हंस पक्षी का, हंस पक्षी का, हंस पक्षी का, ओके। आया समझ में हंस पक्षी का कैसे है? हाँ, हंस पक्षी का के बाद समधंश, समधंश कैसे करना है? देखो यहाँ पे इमेज में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट हाउ इट वॉज, कैसे करना है? अपने पांचों उंगलियां ज्वाइन करोगे, पांचों उंगलियां ज्वाइन करोगे, फिर ओपन करोगे, समधंश, फाइव, ओके, फाइव ऐसे दिखाना है उंगली, समधंश। आया समझ में? समधंश के बाद क्या है? मुकुल। समधंश के बाद है मुकुल, पांचों उंगलियां ज्वाइन करोगे, ऐसे रखना है पांचों उंगलियां, ठीक है, मुकुल। देन मुकुल के बाद है ताम्रचूड। कैसे है ताम्रचूड? इंडेक्स फिंगर को ऐसे ऐसे रखा है, ताम्रचूड, ओके, ताम्रचूड। देन लास्ट वन, अभी पूरा ये असंयुक्त हस्त मुद्रा का लास्ट वन कौन सा है? त्रिशूल। सी, थ्री दिखाना है, त्रिशूल, आई वॉन्ट थ्री, ओके, त्रिशूल। कैसे है त्रिशूल? तीन उंगलियां सिर्फ दिखाओगे त्रिशूल। तो पूरा आपको समझ में आया है कौन से मुद्रास किया हम लोगों ने, कौन से मुद्रास किया हम लोगों ने, पूरा समझ में आया आपके? कौन सा किया? असंयुक्त हस्त मुद्रास, वन हैंड पोस्चर्स, ओके। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, पूरा रिवाइज करते हैं जो भी है मुद्रास, तो एक बार हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं, तो इसके साथ आप पूरा करोगे, ठीक है, पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, पूरा करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन पताक करना भी है, अभी आपको एक एक पोस्चर समझ में आया है पूरा, तो एक एक पोस्चर्स करोगे, ओके, पूरा इसके साथ आपको बोलना भी है और करना भी है, ठीक है। पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुखतुंड, मुष्टि, शिखर, कपित्य, कटकामुख, सूचि, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंहमुख, कांगुल, अलपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्षिक, समधंश, मुकुल, ताम्रचूड, त्रिशूल, ओके। तो पूरा समझ में आया मुद्राज आपको? तो
तो हमने आज के एपिसोड में आपके आज के पीरियड में क्या क्या सीखा? एक्सरसाइज सीखा न्यू टाइप का, रिवाइज किया नट्टाडू, मुद्रा सीखा पूरा, कितने हैं 28 मुद्राज है ये पूरा, ठीक है, असंयुक्त हस्त मुद्रा, 28 हस्त मुद्राज आज हमने सीखा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो ये मुद्राज की प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यूअसली रखोगे। ओके, थैंक यू।